शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इंसान यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकता। लगता है भूतों पर बहुत विश्वास करते हैं। ये आत्मा इस किले से बंधी हुई है। क्यों कुरेद रहे पुरानी बातें? सपने या तो अच्छे होते हैं या फिर बुरे, पर मेरे सपने इन दायरों में नहीं आते। मेरे सपने खौफनाक होते हैं। मेरे सपने मुझे उन हादसों से रूबरू करवाते हैं जिनके पीछे एक दर्दनाक इतिहास होता है। जैसे कि ये घर, मुझसे पहले इस घर में रहने वाली एक लड़की की गला घोटकर हत्या की गई थी। मुझे आज भी उस लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। रात दर रात उसकी मौत का आधा अधूरा मंजर मेरे सपने में और साफ होता जा रहा है। अब तो जागते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास है, पर मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि बुरे सपनों का ये दौर यहीं तक सीमित रहे, कहीं मेरे सपने हकीकत बनकर मेरे सामने ना आ जाए। बस अब ये घुटन और सही नहीं जाती। इससे पहले कि मेरे लिए हालात और बिगड़े, मैंने ये घर छोड़ देने का फैसला किया है। इंसान अपने दुश्मनों से भाग सकता है, पर भला कोई अपने ख्वाबों से दूर कैसे भागे? मेरे दोस्तों को लगता है कि ये सब महज मेरा वहम है, पर ये सच नहीं है। मैं शायद इस मामले में कभी किसी को यकीन ना दिला पाऊं, पर उन्होंने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया है कि आई नीड अ ब्रेक। वेकेशन के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सपने मेरा पीछा करना छोड़ देंगे। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत एक नई जगह पर करूं, जहां की हवाओं में पहले की तरह किसी बुरे हादसे की गंध ना हो, जहां मैं खुलकर सांस ले सकूं बगैर किसी खौफ के। Please help me.
हेलो हेलो संजना डार्लिंग, दिस इज अ वेकअप कॉल, रिमेंबर यू हैव टू कैच अ फ्लाइट। मिताली, मैंने 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 अभी 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 उसको यहाँ पे। ओह कम ऑन नाउ, डोंट टेल मी द सेम थिंग हैपन अगेन। और फिर से तुमने वही सब। नहीं नहीं, मैंने सच में उसको अभी यहाँ पे देखा है, प्लीज बिलीव मी। संजना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं, प्लीज बिलीव मी, मैंने उसको भी यहाँ पे देखा है। संजना, टेक अ ब्रेक स्वीटहार्ट, उठो, बैग पैक करो एंड लीव फॉर द एयरपोर्ट। But you know, I don't feel good about that place. You know that. Don't be silly, dear. Just go. You'll feel better. कुछ नहीं होगा, darling. Come on. Okay. Okay. I hope so. Okay, good. कुछ नहीं होगा. I'll try. Yeah, Sira. Take care. भी अभी खराब होना था।
shucks. Oh my god. आपकी सैड सिचुएशन के लिए एक सैड गाना. तुम कौन हो? मैं यहां से गुजर रहा था. मैंने आपकी सैड सिचुएशन देखी तो सोचा पूछ लो. क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? गाड़ी खराब हो गई है? नहीं, मैं यहाँ सुनसान रेगिस्तान में खड़ी होकर धूप सेक रही हूँ. इंजन गर्म है और यहाँ दूर दूर तक ना तो मुझे कोई मैकेनिक दिख रहा है और ना ही मैं मैकेनिक हूँ. पर आपकी एक मदद जरूर कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो. अगर आप चाहे तो मैं आपको सेफली आपकी मंजिल तक छोड़ सकता हूँ. Trust me. No, no thanks. I'll manage. अच्छा, पक्का? Yes. Okay. आपको पता है ना इस जगह को बांधगढ़ कहते हैं. हाँ? और यहाँ पे अंधेरा होने के बाद किसी का भी बाहर निकलना मना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूत घूमते हैं. भूत? इंसानों की तलाश में. सुना है मैंने. But you will manage, है ना? Good. Lucky ghost, huh? तो आपका नाम क्या है? Sanjana. Hi, I'm Champak. Champak? What? What's wrong with Champak, yeah? Champak, I mean. अच्छा, I'm joking. मैं साहिल हूँ. Oh, okay. So, where are you going? You know, यहाँ से कुछ ही आगे एक फोर्ट है, फोर्ट खेजटा. अरे, मैं भी वहीं जा रही हूँ. What are you saying? Cool. You are on a vacation? No, यार. No such luck. Creative director हूँ, agency के साथ. तो boss ने इंडिया के किलों पर रिसर्च करने भेजा है. You know, internet पे इसके बारे में बहुत information नहीं है. तो कुछ जाकर रिपोर्ट लिखनी पड़ती है. Tough job, I tell you. तो ये क्या है? Hobby है. म्यूजिक का शौक. By the way, आप यहाँ कैसे? Just needed a change. अच्छा, एक बात बताओ, तुम वो भूतिया जगह के बारे में बात कर रहे थे ना, वो सच थी क्या? मैंने भी सुना है. Let's find out. इनसे पूछते. अरे दादा, क्या नाम है आपका? सामरी. सामरी है नाम मेरा. साहेब, यहाँ पर एक पुराना मंदिर है, एक पुरानी हवेली है और एक किला है. और इंसान यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकता. बंद दरवाजों के पीछे बैठकर सब यही उम्मीद करते हैं कि कब सुबह होगी और कब वो बाहर निकलेंगे. ये ऐसे क्यों डरा रहा है? अरे साहब, मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप भी 6 बजे के बाद, शाम होने के बाद अपने गेस्ट हाउस से बाहर मत निकलिएगा. क्यों? क्योंकि शाम को यहाँ परिंदा भी पर... समझो ना,
See what I found? हेलो पुलिस स्टेशन जी, मैं साहिल बोल रहा हूँ। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ड्राइवर पर बुरी तरह जख्मी है, शायद वो मर गया है। हम इस वक्त बांगर इलाके में। या तो ये ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहा था, ये हो सकता है, या फिर ये चमगादड़ दारू पी के उड़ रहा था, ये नहीं हो सकता है। फिर ये कैसे हो सकता है? गिर पड़े तो फंस गया, और वो दोनों नहीं हो सकता है। ये जगह सलपन होती है। हार्ट बीट देख लेते हैं। सर, सर मामला बहुत गंभीर है। नहीं, मामला बहुत तेंदुलकर है। जोक्स 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 भीमसेन सर, वो दो लोग वहां पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो लड़की बहुत डरी हुई है, और उससे कहीं ज्यादा मैं भी डरा हुआ हूँ। तू एक काम कर सर, इस लाश को एम्बुलेंस में डाल दे, हॉस्पिटल लेके जा, और वहां पे इसका पोस्टमार्टम करा ले। ओके सर। मैं जाऊं? सर जाइए ना। जी बहुत दूर पार किया तूने। मैं जाता हूँ। ओके सर। मैं जाऊंगा। हाँ सर। मैं जाऊं? ओके सर, जाइए। ओके। क्या हुआ सर? मैं जा रहा हूँ। राइट सर। ओके सर, सावधान। हेलो हेलो मैडी, कैसे हैं आप? आई एम डूइंग ग्रेट। मैडी आई सी यू लेटर। ओके मैडी। या इजंट दिस अ ग्रेट प्लेस? ऑफ कोर्स बेब्स, तुम्हारे आने से इस किले की शान काफी बढ़ चुकी है। हे गाइस। या हाय। हाय आई एम सिमी। हाय आई एम मैडी, एंड दैट्स अलीशा। हाय। हाय। एंड योर हियर फॉर? फोर्थ के ओनर्स ने मुझे यहां पे डांस परफॉर्मेंस के लिए भेजा है। एक्सक्यूज मी, आई नीड अ ड्रिंक। ओह या श्योर बेब्स। Girlfriend? No, no, she's a model. हम दोनों यहाँ पोर्टफोलियो शूट लाए हैं। She's just a friend. With benefits. आपके साथ जो हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है, पर हमें यकीन है हमारे फोर्ट खेजरटा के आराम और मेहमान नवाजी के बाद
आप ये सब कुछ भूल जाएंगे, आई प्रॉमिस। चले? हाँ। मैं और मेरे पति इस फोर्ट के केयरटेकर्स हैं। सीजन अभी शुरू हुआ है तो कुछ लोग आज ही यहाँ पे आए हैं। माया जी, हमारा लगेज? हमारे मैनेजर चंदर लगेज आपके रूम में रखवा देंगे। मीट माय हस्बैंड विक्रम। हाय, आई एम साहिल। हेलो। संजना। नाइस प्लेस यू हैव हियर। थैंक यू। आई होप यू हैव अ गुड टाइम। थैंक्स। सी यू अराउंड। सी यू। प्रणाम जी। 1-to-1 साहिल जी। जी जी, मैं चंदर, यहाँ का मैनेजर। वेलकम टू खेजरता। थैंक यू। आइए। माया जी ने मुझे आपके एक्सीडेंट के बारे में बताया, आप दोनों को कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, बस थोड़ी सी खराश है। अजीब दुर्घटना थी, मतलब जिस प्रकार से ड्राइवर की मौत हुई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर अब होनी को कौन टाल सकता है? नहीं, ये होनी नहीं, अनहोनी घटना थी। साहिल जी, आप आत्माओं में विश्वास करते हैं? जी जी नहीं, जिसे मैं देख नहीं सकता हूं उस पर मैं विश्वास कैसे कर सकता हूं? हाँ, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ। आपने ईश्वर को देखा है? फिर भी आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं? ठीक ऐसे ही आत्माएं हमारे चारों ओर है। हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, पर जब ये हमें देख पाती हैं, तब अनहोनी हो जाती है। लगता है भूतों पर बहुत विश्वास करते हैं। आप उन्हें भूत कहते हैं और मैं उन्हें आत्मा, और मैं उन्हें मुक्ति दिलाता हूं। मुक्ति?
Wow. Great. Ooh, good. Cool. Nice. Ooh. Nice. Very nice. Wow. Good. Thank you.
साहिल, क्या हुआ? Are you okay? मैंने तुम्हें देखा पूल में। Are you okay? I just saw you there. You were just there. तुम्हारा भ्रम होगा संजना। We've had a tough day. चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। अरे कोई नहीं वहाँ पे। Come on, चलो। Forget it, संजना। Just relax. हमसे कोई बात नहीं। चोट कैसी है तुम्हारी? चोट, इट्स बेटर नाउ। लिसन, आई होप तुमने मुझे फिर से कोई पूल में डूबते तो नहीं देखा। वाओ। व्हाट इज ही डूइंग? जर्क? अरे संजना। आई कांट स्टे हियर। संजना। Listen, just delete the pictures. अरे बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ गया। Listen, you're drunk. तमाशा मत करो. Just delete the pictures now. Relax, angry lover boy. अभी delete करता हूँ. See, happy? Good. तो तुम बचपन से ही ऐसी हो? इतना गुस्सा? I know why. जरूर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बचपन में मारते होंगे। What? अरे मैंने सुना है यार कि बचपन में जब ऐसा होता है ना तो बच्चे बड़े होके शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं तुम्हारी तरह। नहीं, मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा,
तो फिर इतना गुस्सा क्यों? यू नो गुस्सा करने से ना बाल झड़ते हैं, और ऐसे तो तुम एक साल में गंजी हो जाओगी, फिर तुम्हें कोई चंपक ही मिलेगा। आई कांट हेल्प यू। चला जा काम पे चले। से बचा रखना। सर, वैसे आपने इस वीरान जगह पे पुलिस स्टेशन क्यों खड़ा किया? तू नहीं समझता है, मेरा नाम पीके गिरपड़े, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। बहुत लोगों को मैंने मार डाला है, लेकिन जब से मैं इस रेगिस्तान में आया हूँ, पता नहीं कैसे कैसे केसेस मेरे हाथ में आ जाता है। किसी का मुर्गी चोरी हो गया है, किसी का भैंस और दूध साथ में चोरी हो गया है, किसी का ऊंट किसी और के साथ शादी कर लिया है। ये क्या पागलपन है? और तो और कुछ लोग आके मेरे को बोलते हैं कि रेगिस्तान में बारिश नहीं हो रही है। अगर रेगिस्तान में बारिश नहीं हो रही है तो मैं क्या वहाँ पर जाके? सर, सर
भीमसेन सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी यहाँ पे बहुत कुछ अनहोनी होने वाला है। अनहोनी? इसलिए मुझे इस केस को अकेले ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप घबराइए मत, इस केस में मैं आपके साथ हूँ। सर, 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 सर! ये चिल्ला क्यों रहा है? आदमी पेशाब भी नहीं कर सकते क्या? सॉरी सर। जाके उधर थोड़ा पानी मार। ओके सर। चंदर, मैंने तुम्हें जब भी देखा है ये किताब तुम्हारे पास रहती है क्या इसमें? सर, ये मेरी सालों की तपस्या है, पर अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मानिएगा नहीं। मतलब? मेरे पिता तांत्रिक विद्या के गुरु थे सर, ये ग्रंथ और विद्या मुझे उनसे विरासत में मिली है। सैकड़ों सालों से विक्रम सर, हमारे परिवार में एक पिता अपने पुत्र को ये विद्या सौंपता आ रहा है। मतलब तुम लोग भूतों को पकड़ते हो? अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो। तुम लोग भी यार कमाल करते हो। वैसे वो संजना के रूम में क्या प्रॉब्लम हुई? शी इज इमेजिनिंग थिंग्स। सर, मुझे नहीं लगता कि वो उनकी कल्पना थी। व्हाट रबिश, ये बात बाहर चले गई तो रिजॉर्ट बंद। बोलने से पहले सोचा करो। क्षमा चाहूंगा सर, पर पिछले कुछ दिनों से जैसे अमंगल हो रहा है यहाँ। तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम। हाय। वो लाइट चली गई थी तो मैंने सोचा बाहर आ जाऊं। आई नीड टू गो नाउ। Are you looking for someone? Yeah, Maya. Sina? Oh no, I don't think so. Oh, there she is. Yeah, she is. Bye. Bye. क्या हुआ विक्रम, मुझे ढूंढ रहे थे? तुम्हें आते हुए देखा तो सोचा मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूं। वो थोड़ा पहले आते ना डार्लिंग, I'm done now. कोई बात नहीं, let's go. तुम कब से हो यहाँ पे? 15-20 मिनट से। Was you feeling quite relaxed? Yeah, बस लाइट चली गई। हाँ, ये भी नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। I'll make a move. Yeah, please. Stay inside. हाँ चंद्र, बोलो। अच्छा, हाँ फिर लगता है खौफ का साया अब भी मेरे साथ है।
यहाँ आने से पहले इस जगह की जो तस्वीरें मैंने अपने मन में देखी थी वो सब वैसे ही यहाँ हूबहू मौजूद हैं, पर कुछ पहलू ऐसे हैं जो अब भी मेरी समझ के बाहर हैं, जैसे कि मेरे कंधे पर खून की बूंदों का गिरना, मेरे रूम में एक डरावनी शक्ल की लड़की का झूले पर बैठे रहना। क्या इन्हें भी मैं अपने वहम का दर्जा देकर भूल जाऊं? और माया, माया तो जिंदा है। फिर कल रात जो मैंने उसके बारे में देखा, उसका क्या मतलब हो सकता है? जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है।
अजीब इत्तेफाक है, एक टाइम पे दो दो कत्ल, एक बेडरूम में और दूसरा सीलिंग पे। या तो ये कई इंसानों का काम हो सकता है या फिर वो इंसान ही ना हो, कोई आत्मा हो। अब पुलिस वाले होके ऐसी बातें कर रहे हैं? जब तक मैं इस मर्डर का तहकीकात खत्म नहीं करता हूं, इस फोर्ट से मेरे परमिशन के बगैर कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं सबको एक एक करके इंटरोगेट करना चाहता हूं। विंसेन! आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हेलो, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये तुम्हें देख नहीं रहे हैं, ये सो रहे हैं। What nonsense! आप लोग पुलिस कम जोकर ज्यादा लग रहे हैं। Go to hell! सर! सर! संजना जी, आप मर्डर के समय कहाँ थी? मैं दरअसल अपने कमरे में वो बस बस समझ गया। आप बेफिक्री से जाइए, हम तो तहकीकात कर लेंगे। मैडम, ये जब मर्डर हुआ था आप कहाँ थी? आपके पास लाइटर होगा? लाइटर? सहर जल गया जी। मैं मेरे बेडरूम में थी। इफ यू डोंट माइंड, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ऑफ कोर्स। देख भीमसेन सर, अभी जब ही साहिल आएगा ना, तू देख मैं उसको कैसे इंटरोगेट करता हूँ। ऑब्जर्व करना मुझे। क्या सर? कीनली ऑब्जर्व। साहिल, अच्छा नाम है। ये खंजर तुझे कहाँ से मिला? वो खंजर मुझे हमारे एक्सीडेंट स्पॉट पे मिला। फोर्ट का नाम देखा, सोचा आपको दे दूं। थैंक्स। यू वेलकम। खंजर को विक्रम के हाथ में दे दिया ताकि ये हमें चकमा दे सके। खून तुमने किया है और उस खंजर को तूने विक्रम के हाथ में दिया। अच्छा है, यानी कि खंजर विक्रम के ही हाथ में था, विक्रम ने खून किया होगा। देख भीमसेन सर, ये बेकसूर है। वो कैसे सर? थैंक यू। उसकी आंखों में देख के मुझे पता चल गया। अच्छा? हाँ सर। आप देख, सच्चा आदमी यहां से कितना जल्दी निकल गया। वो खंजर इस फोर्ट का है, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है फोर्ट के मालिक कौशिक का हो। मैं आपको कौशिक का नंबर देता हूं, आप खुद ही पूछ लीजिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूं। क्या है ना, माया मेरी बीवी थी और मैं कुछ पल अकेले रहना चाहता हूं। ठीक है? जब 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 माया इसकी बीवी थी, तू सोच मैंने कितनी बार अपनी बीवी को मारने की कोशिश की। ये कामयाब हो गया, मैं नाकामयाब रह गया। खंजर नहीं था मेरे पास। टीम से सर, मुझे बहुत लोगों के ऊपर शक है। सर आपको तो सभी लोगों पे शक है। उस दिन तू किधर था? सर उस दिन तो मैं आपके पीछे खड़ा था सर। गुड 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 वेरी गुड। देख भीमसेन, मुझे लगता है कि हमें कौशिक को फोन करना पड़ेगा। कौशिक को फोन लगा, जल्दी लगा। मिस्टर कौशिक, मैं इंस्पेक्टर गिरपड़े बोल रहा हूँ। आपके किले में मर्डर हुआ है एक खंजर से, जो शायद आपका हो। आपको यहाँ इंटरोगेशन के लिए आना होगा। Thank you.
दुनिया है जन्नतों की वादिया। मालिका, मालिका पहुंचने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है और आप भी हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझी? समझी? एक मिनट, एक मिनट। क्या है ना मालिका, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर गलती है तो तुम्हारी इस दौलत, इस जायदाद और इस संपत्ति की गलती है, जिसे हासिल करने के लिए ना जाने कितने सालों से मैं तुम्हें बर्दाश्त करते आ रहा हूं। Ah!
देखो मालिका, तुम जितना मुझसे छुपोगी तुम्हें उतनी ही तकलीफ होगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है और तुम्हें तुम्हारे नए घर तक पहुंचाना है। मालिका, 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 क्या चाहिए था तुझे? घर ये ले। ऐसा लगा अपना नया घर? मालिका, मालिका तुम्हें लगा कि मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था? प्यार? मालिका, मुझे तो सिर्फ इस दिन का इंतजार था कि ये सब कुछ मेरा हो, और देखा, हो गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम यहां आराम से रहो, यहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
जी नहीं, मैं नहीं जानता कि मलिका कौन है। शायद माया जी को मलिका को जानती थी। शायद जानती हो, पर यह बात तो आपको माया ही बता सकती है, और वो तो आई एम सॉरी। और वो खंजर, उसके बारे में कुछ पता चला? देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, और मैंने यही बात इंस्पेक्टर को बताई है। शायद कौशिक जानता हो। कौशिक? ये कौशिक कौन है? आप जाके चंदर से मिलिए, वो आपको सब बता देंगे। प्लीज। ये मलिका कौन है? यहाँ दो कत्ल हो चुके हैं जिसमें मेरी बीवी भी है। पुलिस को लगता है मैंने मारा उसे। तुम यहाँ आओ और मुझे इस मुसीबत से निकालो। माया की मौत के बाद मैं यहाँ और नहीं रह सकता। ये तस्वीर तो, जब विक्रम सर ने मुझे कौशिक और उनकी पत्नी के बारे में बताया, तब मेरे मन में शंका हुई कि इन हत्याओं का उनसे कोई संबंध है। और जब मैंने किले की पुरानी फाइल्स में छानबीन की, तब मुझे पता चला कि यह किला मलिका के नाम था। और फिर अचानक मलिका की सारी संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी कौशिक के नाम हो गई। और फिर कुछ ही दिन बाद
मलिका लापता हो जाती है और फिर मुझे यह तस्वीर मिली। पहले पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मतलब संजना ही मलिका है? नहीं, हो सकता है ये उसका पुनर्जन्म हो। मतलब संजना पुनर्जन्म भी है और भूत भी है? मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सिर्फ एक थ्योरी है। हाँ, एक बात पक्की है कि ये आत्मा बिना लक्ष्य के ये हत्याएं नहीं कर रही। ये उस हर इंसान को हानि पहुंचाना चाहेगी जिसका चरित्र अच्छा नहीं है। This doesn't make sense. अगर संजना मलिका का पुनर्जन्म है तो उसने इस पर हमला क्यों किया? हो सकता है कि मलिका की काफी दर्दनाक मृत्यु हुई हो और बदले की भावना में वो शायद हमें अपनी मौत के बारे में बताना चाह रही है। संजना उसका माध्यम है। ये आत्मा इस किले से बंधी हुई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस किले को छोड़कर जाने की कोशिश ना करें। कोई रास्ता? रास्ता है, पर काफी खतरनाक है। हमें तंत्र करना पड़ेगा। तंत्र? मतलब ब्लैक मैजिक? यहां सब पागल हो गए क्या? शट अप एडी। अगर तुमने माया की बॉडी 10 फीट ऊपर छत पे चिपकी हुई देखी होती ना तो शायद तुम ऐसा नहीं बोलते। तू तो वैसे भी पागल है इस लड़की के पीछे। तुझे जो करना है कर और मरो तुम सब। मैं जा रहा हूं यहां से और वैसे भी मेरा काम खत्म हो चुका है। गुड बाय। मैडी, आई एम लीविंग। अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। I've started packing bags for you. Of course I'm coming. वो टकला साला मरवाएगा सबको। साला तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक कर रहा है। पागल हो गए सब के सब। जल्दी निकल ले बेटा, इसी में तेरी भलाई है। वो टकला चरित्र की बात करता है। साला तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक। जिस बेरहमी से मैडी और एलिशा की मौत हुई, हम सब और भी ज्यादा डर गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो सुबह से पहले यहाँ नहीं पहुंच पाएगी। माया की मौत उसी तरह से हुई जैसे मैंने देखा था। डर लग रहा है।
मैं अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं सकती, साहिल से भी नहीं। मलिका की आंखों से जो मैंने देखा उससे तो यही समझा जा सकता है कि उसका कत्ल कौशिक ने ही किया होगा। क्या इत्तेफाक है कि मैं मलिका की हमशक्ल हूं। तो क्या ये सारे कत्ल मैंने? नहीं, अब तो ये तय हुआ है मलिका को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तंत्र। इस विधि का मैं सबसे अहम हिस्सा बनूंगी। हजारों सवाल मन में उठ रहे हैं। अगर मैं मलिका का पुनर्जन्म हूं तो उसकी आत्मा कैसे भटक रही है? मान लो कि ये ग्लास एक शरीर है और इसमें अंदर का पानी आत्मा। अब ये दो शरीर हैं और दो आत्माएं, पर स्रोत एक। स्रोत? सोर्स। जब तक ये पानी इस ग्लास में है संजना, उसका एक आकार है, उस आकार को बदला जा सकता है। जैसे मलिका बनकर तुम इस वक्त मेरे सामने खड़ी हो। समस्या वहां आती है जब आत्मा निराकार हो जाती है। विज्ञान कहता है कि इंसान आकार से लड़ सकता है पर निराकार से नहीं। बहते हुए पानी की धारा को रोकना नामुमकिन है। मना किया था कि इस किले को छोड़कर मत जाओ। विक्रम की जान को तो दुर्गा माँ ने अपनी कृपा से बचा लिया, और उन दोनों का क्या हश्र हुआ ये तुम खूब जानती हो। और अगर आज रात हमने उस आत्मा के खूनी खेल को रोकने की कोशिश नहीं की तो कल सुबह तक यहां लाशें बिछ जाएंगी। समस्या यह है कि मलिका की आत्मा को बुलाने के लिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिससे उसे बहुत लगाव था। मलिका का झूला। कत्लों का सिलसिला अब भी जारी है, यानी कि मलिका किसी को अपना माध्यम बना रही है। और अगर वो माध्यम मैं नहीं हूं तो फिर कौन?
रुक रहे थे पुरानी बातें। मालिका खंजर क्यों? Why? मालिका, मालिका, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान एक बार जीता है और एक बार मरता है, बाकी सब बकवास है, सब बकवास है। सुन लड़की, इस किले के लिए अगर मुझे एक खून और करना पड़े तो कोई एतराज नहीं है मुझे, कोई एतराज नहीं है। Ha ha ha!
मलिका की कहानी तो खत्म हुई पर कई सवाल पीछे छोड़ गई। मलिका मेरी हमशक्ल थी, फिर क्यों उसने कौशिक से बदला लेने के लिए साहिल को माध्यम चुना? शायद कभी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसकी वजह से साहिल निशाना बन गया। आज भी वो इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है। मैं भी एक नई शुरुआत की राह में हूँ, इस उम्मीद में कि खौफ का साया मेरी परछाई न बन जाए। और अगर इस खौफ के साथ एक उम्र भर का रिश्ता लिखा ही है तो मैं इसके साथ जीने की आदत डाल सकूं।